जय प्रभु बद्रीनाथ। बद्रीनाथ चार धाम में से एक धाम है। विश्वास है कि यह एक प्रमुख धाम है। हिमालय में कई सारे पावन मंदिर है और उनमें से बद्रीनाथ प्रमुख है। पुराने के अनुसार चार धाम का वर्णन कुछ इस प्रकार का है। सत्ययुग में बद्रीनाथ, त्रेतया में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारका और कली में प्रभु जगन्नाथ। यहां तक कि यह क्षेत्र 108 दिव्य देशम में से एक है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले की बद्रीनाथ शहर में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर हिमालय की अलकानंद नदी तट पर, यहां भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से तकरीबन 329 किलोमीटर दूरी पर है। दिल्ली से 529 किलोमीटर, कोलकाता से तकरीबन 1705 किलोमीटर, मुंबई से तकरीबन 1935 किलोमीटर, चेन्नई से 2681 किलोमीटर, बेंगलोर से 2648 किलोमीटर दूरी पे है। ये दूरी कम या ज्यादा हो सकता है। मंदिर के अंदर बद्रीनाथ की मूर्ति 1 मीटर ऊंचाई की मूर्ति है, जो कि काला रंग की एक शालिग्राम पत्थर की मूर्ति है। बद्रीनाथ भगवान की एक हाथ में शंख, दूसरी हाथ में चक्र और बाकी दो हाथ योग मुद्रा में यानी कि पद्मासन में अपनी गोद में आराम करते हुए अपनी भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान की ललाट पर एक हीरा है, जो कि मंदिर में 4 चंद लगा देता है। मंदिर के अंदर अन्य भगवान की छवियां हैं, जैसे कि कुबेर, ऋषि नारद, उद्धव, नर और नारायण, माता लक्ष्मी, गरुड़, नवदुर्गा यानी माता दुर्गा की 9 अलग अलग अवतार, लक्ष्मी नृसिंह, आदिशंकर, घंटकरण, वेदांत देशिका, रामानुचार्य इत्यादि इत्यादि। और ये सारे मूर्तियां काला पत्थर से बना हुआ मूर्तियां हैं। कहा जाता है यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है और इसलिए इस क्षेत्र को अष्ट स्वयं व्यक्त क्षेत्र के नाम पे जाना जाता है, या फिर कोई कोई उसको अष्ट बैकुंठ का भी नाम देते हैं। मंदिर के अंदर बद्री पेड़ के नीचे स्वामी भगवान बद्री नारायण ध्यान स्थिति में बैठे हैं और सर के ऊपर है एक सोने का छत्र। ठंड के कारण मंदिर सिर्फ और सिर्फ 6 महीना तक ही खुला रहता है, जो कि अप्रैल से लेकर नवम्बर तक, और बाकी 6 महीना बंद रहता है। और उसी दौरान भक्तों ने नजदीकी ज्योतिर्मठ में भगवान बद्रीनाथ की दर्शन करते हैं। रोचक की बात यही है कि यह तथ्य पुराण में भी वर्णित है। पुराण के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर को एक देवता 6 महीने तक पूजा करेंगे और बाकी 6 महीना श्री बद्रीनाथ एक मनुष्य के द्वारा पूजा जाएगा। कोई कोई जब मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है तभी ऋषि नारद के द्वारा पूजा जाते हैं। मंदिर को जाने से पहले नीचे स्थित एक स्नान कुंड है, जहाँ पे भक्तों ने नहाकर ऊपर चढ़ते हैं, और इस कुंड को कहा जाता है तप्त कुंड, और उसकी तापमान है तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस। हिमालय के करीब होकर भी कुंड से गर्म पानी कैसे निकलता है, ये आज भी एक रहस्य की बात है। मंदिर में और 2 मशहूर जल कुंड है, जिसको कहा जाता है नारद कुंड और दूसरी है सूर्य कुंड। यह मंदिर समुद्र सीमा से 3133 मीटर ऊंचाई पे है, यानी कि 10279 फीट ऊंची पे है। मंदिर के ठीक विपरीत एक पर्वत है, जिसको कहा जाता है नर पर्वत, और नीलकंठ पर्वत के पीछे जो पर्वत है उसको कहा जाता है नारायण पर्वत। मंदिर की 2 मील आगे है भारत के आखिरी गांव, जहां भारत की सीमा समाप्त होता है। 2.5 मील पर है माता मूर्ति की मड़ी और 5 मील पर है वसुधरा, जो कि 200 फुट से गिरने वाला एक झरना, और आगे है सतपथ और अलकापुरी। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं। पहला है गर्भगृह, दूसरा है दर्शन मंडप और तीसरा है सभा मंडप। गर्भगृह एक शंखाकार की छत, जो कि 15 मीटर लंबाई है, जिसकी शीर्ष पर है एक छोटा कोपोला, जो कि सोने की छत से ढका हुआ है। मंदिर के शीर्ष पर 3 कलश है, जो कि सोने का है, और मंदिर के अंदर है एक विशाल घंटी। मंदिर का अग्रभाग पत्थर से बना हुआ है और उसमें धनुष आकार की खिड़कियां हैं और एक लंबा धनुष आकार की प्रवेश द्वार,
सीधी तौर पे मुख्य द्वार तक जाती है, जिसको कहा जाता है सिंह द्वार। और अंदर एक बड़ा स्तंभ वाला हॉल है जो कि सीधा मुख्य मंदिर की ओर जाता है, और हॉल की सारी स्तंभ और दीवारों को जटिल नक्शी से ढका गया है। मान्यता है कि भगवान शिव को ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्ति मिली थी, और उसकी गवाही वो स्थान है जिसको ब्रह्म कपाड़ा कहा जाता है। यह एक उच्च शिला है जहां आज भी भक्तों ने अपनी पूर्वजों की श्राद्ध करते हैं, और यहां श्राद्ध करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इतिहास के अनुसार 9वीं शताब्दी में हिमालय के भ्रमण में आए हुए आदि शंकर ने नदी के अंदर प्रभु बद्रीनाथ की मूर्ति को उद्धार किए थे, और तत्काल उन्होंने इस मूर्ति का स्थापना किए थे। और 1600 शताब्दी में गढ़वाल की राजा ने आज की जो बद्रीनाथ मंदिर है उसके अंदर यह मूर्ति को स्थापना किए। मंदिर के बारे में सटीक तथ्य आज भी इतिहास में नहीं है, परंतु वैदिक शास्त्रों में मंदिर के बारे में जरूर उल्लेख है। कोई कोई ये भी मानते हैं वैदिक युग से ही यह मंदिर को पूजा जाता है, और कोई कोई ये भी मानती है 8वीं शताब्दी में यह बौद्धों का एक मंदिर था, और उसके बाद आदि शंकर ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर को पुनरुद्धार किए और उसको बौद्ध मंदिर से हिंदू मंदिर में बदल दिए थे। मंदिर के वर्णना महाभारत, भगवत पुराण और स्कंद पुराण में है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने आदि काल से संसार की प्राणियों की मंगल के लिए बहुत पहले ही तपस्या कर रहे हैं। वहां स्कंद पुराण के अनुसार स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क में बद्रीनाथ जैसा मंदिर नहीं है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि बद्रीनाथ के चारों ओर जो क्षेत्र है वह आध्यात्मिकता की खजाना है। महाभारत में यह उल्लेख है कि आपको मोक्ष पाने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, धार्मिक कार्य में लिप्त रहना पड़ेगा, परंतु अगर आपने सिर्फ बद्रीनाथ के दर्शन कर देते हैं आपको वहाँ ही मोक्ष मिल जाता है। इसलिए तो कहा जाता है जो जाए बद्री वो ना आए उद्री, यानी कि जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ की दर्शन कर लेता है उसको दोबारा मनुष्य जन्म लेना नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि मंदिर को तमिल साहित्य में तिरुवातारिया अकिरामम के रूप में जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु ने तकरीबन 200 साल तक बद्रीनाथ के क्षेत्र पर तपस्या किए, और उनको छाया देने के लिए माता लक्ष्मी स्वयं बद्र वृक्ष के रूप धारण किए और उनको छाया देने लगे। लक्ष्मी माता की इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इस जगह को बद्री का आश्रम का नाम दिए थे। और विष्णु पुराण में बद्रीनाथ की जो आविर्भाव है और बद्रीनाथ की जो निर्माण है कुछ इस प्रकार का वर्णित है। विष्णु पुराण के अनुसार यम के दो पुत्र थे, एक थे नर और दूसरे पुत्र थे नारायण। दोनों ने अपने धर्म के प्रसार के लिए निकल पड़े। उन्होंने हिमालय की कई घाटियों को तलाशे और दोनों ने चार बद्रियों की अतिक्रम कर लिए। उनमें से था बृहद बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री, और आखिरकार उन्होंने अलकानंद नदी के पास जो बद्री मिला उसको चुन लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ठंडा जल और गर्म जल की प्रवाह को देखकर। और उसके बाद उन्होंने इस बद्री को विशाल बद्री का नाम दिए, जो कि आज के जमाने में बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। किसी किसी ने यह भी मानते हैं कि सत्य युग में भगवान यहाँ स्वयं प्रकट होके भक्तों की मंगल कामना करते हुए यहाँ तप किए थे, इसलिए इस क्षेत्र को मुक्ति प्रदा भी कहा जाता है। पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या और विश्राम के लिए एक अच्छे स्थान की खोज पे थे, और अचानक उनकी नजर पड़ी हिमालय का तट पर, परंतु उसके बाद उनको पता चला कि यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती की है, और उस जगह को छल में पाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बच्चा का रूप धारण किए और सीधा जाके भगवान शिव के स्थान पर सो गए। तभी भगवान शिव और पार्वती लौट ही रहे थे और अचानक माता पार्वती की नज़र बच्चे के ऊपर पड़ा, और बच्चा को चुप कराने के लिए माता पार्वती ने बच्चा को अपनी गोद ले लिए। कुछ ही समय के बाद भगवान शिव और पार्वती ने दोबारा बाहर चले गए। जब उन्होंने बाहर लौट के आए देखे तो उनकी स्थान अंदर से ही बंद है,
और तभी भगवान शिव और पार्वती ने निष्पत्ति लिए किस जगह को ऐसे ही छोड़ के चले जाने के लिए, और तब से यह जगह बद्रीनाथ के नाम पे जाना जाता है भगवान विष्णु के लिए। बद्रीनाथ के मुख्य पूजक केरला की नंबूदिरी से ताल्लुक रखते हैं और उनको रावल कहा जाता है। उसके साथ साथ गढ़वाल की दिमरी पूजक भी सहायक पूजक के रूप में मंदिर में पूजा करते हैं। माना जाता है कि जब मंदिर की कपाट बंद किया जाता है तभी पूजकों ने पुरुष होने के बावजूद भी महिला की वेश धारण करते हैं और महिला के जैसा श्रृंगार करके मंदिर की कपाट को बंद करते हैं, और बंद करने से पहले मंदिर के अंदर एक दिया को जलाया जाता है, और 6 महीनों के बाद जब कपाट खोला जाता है अंदर दिया वैसे ही जलता रहता है। मंदिर की वर्णना विष्णु पुराण के साथ साथ स्कंद पुराण में भी वर्णित है, और तमिल पुराण नालायिरा दिव्य प्रबंधम में भी मंदिर की महिमा वर्णित है। मंदिर में कई सारे त्योहार मनाया जाता है और उनमें से माता मूर्ति का मेला मशहूर है। महाभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ, भगवत पूजा, गीत गोविंद, आरती इत्यादि इत्यादि। आरती के बाद जितने भी सजावट होता है उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद भगवान जी को चंदन की एक लेप दिया जाता है, और अगले दिन इस चंदन की लेप को प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। काफी मंदिरों में भगवान की जितनी भी रीतियां होता है वो गुप्त तरीके में किया जाता है, परंतु बद्रीनाथ मंदिर में जितने भी रीतियां होता है वो सारे रीतियां भक्तों के सामने होता है, वो भी भक्तों की उपस्थिति में। प्रसाद के रूप में भक्तों को सूखे पत्ते के साथ साथ शक्कर की गोलियां दिया जाता है, उसके साथ साथ काजू, किशमिश, मिश्री, तुलसी आदि की भोग चढ़ाया जाता है, और मंदिर प्रशासन की ओर से 2006 से पंचामृत की भी प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा ये जो वीडियो जो कि प्रभु बद्रीनाथ के ऊपर आधार था आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी और किसी भी प्रकार का तथ्य अगर गलत है तो मेरी ओर से माफ़ी चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। जय प्रभु बद्रीनाथ।